अमीषा जी, मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि सर हम लोग 1.5 साल हो गया सर, इतना मेहनत कर रहे हैं सर, जो भी मांग है हम लोगों का आप प्लीज सर सुनिए। ये लड़के हाथ जोड़कर माननीय अमित शाह जी से गुजारिश कर रहे हैं कि पिछले 35 दिन से ये पैदल मार्च कर रहे हैं नागपुर के दिल्ली के लिए, फिर भी सरकार इन लोग की बातों पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज आपके लिए मैं वो सारी बड़ी खबरें लाया हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम करता है, वो रोहित रंजन के मामले में बिना वकील की याचिका दायर किए कहता है कि आपने अभी तक याचिका दाखिल क्यों नहीं की, यानी कि आप समझिए कि किस तरीके के हालात है। एक तरफ जुबेर को बेल देने से मना कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ रोहित रंजन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर भी नहीं करते। जज उतावले रहते हैं कि आपने अभी तक याचिका दायर क्यों नहीं की, हम सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। आप समझिए किस तरीके के हालात हैं। एक तरफ अगर जुबेर है तो उसकी याचिका, उसकी बेल को बेल डिनाई कर दी जाती है, वहीं रोहित रंजन को बुलाकर कहा जाता है आप याचिका दायर कीजिए, कल हम आपकी सुनवाई करेंगे और हम परसों बेल दे देंगे। तो इस तरीके के हालात हैं। और एक जज कर्नाटक के जज हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि उनको धमकाया जा रहा था। तो उन्होंने कहा, मैं किसान का बेटा हूँ, डरने वाला नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं सच्चाई के साथ हूँ। तो आप समझिए। तो अब शुरू करते हैं कि खबर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से ये गोदी मीडिया वो सारी खबरें छिपा देती है जो बहुजनों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए ज़रूरी होती है। किस तरीके से दलितों पर एट्रोसिटी हो रही है, किस तरीके से मुसलमानों को मारा जा रहा है, वो सारी खबरें आज आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, सैयद उज़्मा परवीन है, एक्टिविस्ट है, उन्होंने ट्वीट किया है, ये कैसी गुंडागर्दी है, जबरदस्ती मुस्लिम दुकानों को बंद करवाकर अपनी हिंसात्मक उन्माद को दर्शाया है, मामला जयपुर का है, ये सब देखती हूँ तो अफसोस होता है, आखिर इतनी नफरत हमारे देश में कहाँ से आ रही है, क्यों एक मुल्क में रहकर दो मुल्कों की तरह लड़ रहे हैं। ये देखिए, कुछ बजरंग दल के लोग, मुस्लिम जो वेंडर हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, उनकी दुकान जबरदस्ती दुकान बंद करवा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। और ये देखिए, मोदी जी जिनको फोटोजेनिक कहा जाता है कि वो कैमरे के इतने एडिक्ट हैं, जहाँ भी जाते हैं कैमरा पर्सन को लेके जाते हैं, जब वो अपनी माता श्री से मिलने जाते हैं तब भी कैमरा पर्सन होता है, जब वो विदेश के दौरे पर होते हैं तब भी उनके साथ कैमरा पर्सन होता है, हर जगह कहीं भी, चाहे भक्ति हो या माँ से मुलाकात हो, हर जगह कैमरा होता है। तो अब वही देखिए, ये देखिए, बीजेपी मणिपुर ने एक पोस्टर जारी किया है, जो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन वेलकम करने के लिए। इस तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, बाकी जिनका वेलकम हो रहा है श्रीमती द्रौपदी जी, उनकी फोटो ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैमरा और फोटो और प्रचार प्रसार के कितने आदि हैं कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी का इसमें फोटो ही नहीं है, सिर्फ मोदी जी का। इससे पहले भी राशन किट पर आपने देखा था मोदी जी की तस्वीर थी, वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी जी की तस्वीर थी। तो हर जगह इन्हें तस्वीर खिंचाने का शौक है। और अब ये देखिए, SSC GD 2018 के जो छात्र नागपुर से चले हैं, वो अब पहुंच चुके हैं ग्वालियर पहुंचने वाले हैं, और किस तरीके से वो अपने इस सफ़र को तय कर रहे हैं, 1068 किलोमीटर का ये सफ़र पैदल चलकर आ रहे हैं, जिसमें बीच में हजारों छात्र जो हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, बीमार पड़ चुके हैं, अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। तो इनकी ये बाइट भी सुन लीजिए कि किस तरीके से वो गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारी फरियाद सुने। अमीषा जी, मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि सर हम लोग 1.5 साल हो गया सर, इतना मेहनत कर रहे हैं सर, दिल्ली में भी और नागपुर में भी, आपको देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं हम लोग और हम लोग हाथ जोड़ के सर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं सर, हम लोग की मांग पूरी कर दीजिए सर, हम लोग बहुत परेशान हैं सर, प्लीज सर रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी मांग है हम लोगों का आप प्लीज सर सुनिए। यह है देश सेवा करने का जुनून। ये लड़के हाथ जोड़कर माननीय अमित शाह जी से गुजारिश कर रहे हैं कि पिछले 35 दिन से ये पैदल मार्च कर रहे हैं नागपुर के दिल्ली के लिए,
फिर भी सरकार इन लोग की बातों पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और ऐसा पहला मामला नहीं है, पिछले 1.5-2 साल से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। 1 साल ये प्रोटेस्ट करते रहे लेकिन इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अब ये देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से रोहित रंजन के मामले में एकदम आतुर है कि आप याचिका दायर कीजिए, हम सुनवाई को तैयार हैं। ये देखिए, कमाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट में एंकर रोहित के वकील ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले को बताया। एससी ने भी बिना देर किए कल की ही तारीख दे दी। तारीख देने के बाद कोर्ट को पता चला कि रोहित की ओर से याचिका भी दायर ही नहीं हुई, बिना याचिका के कोर्ट ने मामले को सुना गया और तारीख भी दे दी गई। अद्भुत है, समझिए। अभी जज साहब को सिर्फ बताया गया था, यानी कि ऑन पेपर याचिका दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन जज साहब ने उसको सुनवाई के लिए कल का टाइम भी दे दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात है। वहीं जुबैर, उमर खाली, सिद्दीकी कप्पन, सरजील इमाम, मीरान हैदर, ऐसे तमाम मुस्लिम नौजवान हैं, ऐसे तमाम आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, ऐसे तमाम ओबीसी के एक्टिविस्ट हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं। ये देखिए, वरुण गांधी ने ट्वीट किया है, आज 50 रुपये जो है घरेलू सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू सिलेंडर अब 1050 रुपये में मिलेगा। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, तब भारतवासी पूरी दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी गैस खरीद रहे हैं। कनेक्शन कॉस्ट 1450 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये कर दी गई है। सिक्योरिटी कॉस्ट 2900 से बढ़ाकर 4400, यहाँ तक कि रेगुलेटर तक 100 रुपये महंगा है। गरीब की रसोई फिर धुएं से भरने लगी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आज भी जो एलपीजी है उस गैस पर 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। लेकिन जो लोग 2014 से पहले ट्वीट करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, सिलेंडर लेकर सड़कों पर निकलते थे, आज वो मंत्री सब गायब है। लेकिन लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और ये फिर से वही वीडियो आदित्य भगत ने ट्वीट किया है, CAPF भर्ती के मेडिकल पास अभ्यर्थी केंद्रीय गृह मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि एक बार हमसे मिलिए, पिछले 1.5 साल से ये अभ्यर्थी सड़कों पर है, बेहद दुख की बात है। बीते 35 दिनों के संघर्ष के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। SSCGD नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च, तो पिछले 35 दिनों से ये लगातार चलते हुए आ रहे हैं, अभी ग्वालियर पहुँचे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए, जो कानून के रक्षक हैं, जिनको निष्पक्ष होना चाहिए था, जनता के लिए जो काम करते हैं, वो किस तरीके से भगवा गमछे में फोटो खिंचाकर डाल रहे हैं। अहमद कबीर ने लिखा है वर्दी पे भगवा, तो ये तस्वीरें भी हैं। और ये देखिए, दिलीप मंडल ने सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज कमाल हो गया, सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस इंदर बनर्जी और जेके महेश्वरी की कोर्ट में कहा कि जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कई जगह FIR हो गई है, सबको एक जगह किया जाए। जजों ने कहा ठीक है, कल सुनवाई होगी। तभी रोहित के वकील ने कहा हमने तो अभी केस ही फाइल नहीं किया। जजों ने डांटा कि ये बहुत गलत बात है, हमने आदेश भी जारी कर दिया और आपने केस भी फाइल नहीं किया। ये उस सुप्रीम कोर्ट में हुआ जहाँ 73,000 से ज़्यादा केस पेंडिंग में है। EWS जैसे संवैधानिक महत्व के केस 3 साल में पहली बार सुनवाई नहीं हुई है, कास्टियस कॉलेजियम। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस कोर्ट में 73,000 मामले पेंडिंग है, वहाँ पर रोहित रंजन की सुनवाई के लिए जज साहब उतावले हो रहे हैं कि आप याचिका दायर कीजिए, बाकी हम बैठे हुए हैं। उन्हीं रोहित रंजन को जब छत्तीसगढ़ रायपुर की पुलिस गाजियाबाद इनको गिरफ्तार करने आती है, तो UP पुलिस उनसे पहले रोहित रंजन को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब रोहित रंजन गिरफ्तार फरार है, उनको फरार घोषित कर दिया गया। ये देखिए, रायपुर DCP ने कहा हमारे पास वारंट था, फिर भी यूपी पुलिस ने जबरन आरोपी एंकर को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, ये कानून गलत है। तो जो DCP आए थे रायपुर के रोहित रंजन को गिरफ्तार करने, उनके साथ जो है छीना झपटी हुई और रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने UP पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। और ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, बड़े शोक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी, ये जबा किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। देखिए, फॉर्मर BSP MLC हाजी इकबाल, उनके हाउस को किस तरीके से डेमोलिश किया जा रहा है सहारनपुर में। तो बुलडोजर की राजनीति अभी भी जारी है। और लगातार जो है, जो मुस्लिम
आवाज है या जो मुस्लिम एक्टिविस्ट है उनको लगातार चुन चुन कर उनके घरों को बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। और ये देखिए, त्रिपुरा में कुछ राइट विंग के लोग मुसलमानों के कब्रिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं और वहां पर एक मूर्ति स्थापित कर देते हैं और फिर उस पर अपना दावा पेश करते हैं, जिसको लेकर वहां पर माहौल टेंस है और मुस्लिम महिलाएं जो हैं सड़कों पर उतरी हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये मुस्लिम महिलाएं रोड पर प्रदर्शन कर रही हैं। तो इस तरीके के भी हालात है। ये देखिए, त्रिपुरा हिंदू युवा वाहिनी ने रातों रात कब्रिस्तान की जमीन पर शिव मंदिर बनाया। ये देखिए, मुस्लिम समुदाय का आरोप। तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो डरे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। और ये देखिए, जिस तरीके से 50 रुपये गैस सिलेंडर पर बढ़ रहे हैं LPG पर, उसी को लेकर स्मृति ईरानी को घेरा जा रहा, जो उस टाइम पे सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरती थी। अब उनसे सवाल किया जा रहा है कि अब आप मोहतरमा कहाँ देखिए, सिलेंडर के दाम बढ़ाने का स्मृति ईरानी जी ने विरोध किया। देश को ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत जो आम आदमी के साथ खड़े रहे, EDCD से डरे बिना सच्ची नेता अच्छी नेता। तो स्मृति ईरानी 24 जून 2011 को ट्वीट करती थी 50 रुपये के LPG पर जो प्राइस पड़ा है, और ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी की सरकार है, व्हाट अ सेम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब इनको, स्मृति ईरानी को, बढ़ते दामों की कीमत नहीं दिख रही है, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा जो है आज बढ़ चुका है। और ये देखिए, रवीश कुमार ने मोदी सरकार पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है, आज ब्रिटेन में ED होती तो ये वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री चुपचाप काम करते रहते। रवीश कुमार, जिस तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के काम को लेकर वहाँ के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद रवीश कुमार ने ये तंज कसा है। देखिए, ब्रिटेन के वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा दे दिया। अगर ब्रिटेन में ED होती तो ये दोनों चुपचाप काम करते रहते। क्या हमारे देश के किसी मंत्री में, किसी नेता में इतनी ताकत है कि वो आज मोदी जी के काम पर, या जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठाकर इस्तीफा दे दे? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। और ये देखिए, योगी जी, अगर किसी को जबरन रिटायर करना हो तो उसे स्मार्टफोन जरूर दे देना, ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मीम की सप्लाई ना रुके। रवीश कुमार ने तंज कसा है योगी सरकार पर, जिस तरीके से योगी सरकार ने फैसला लिया है कि 50 साल के बाद वो जबरन रिटायर करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भक्त लोगों को मज़ा आ रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं और देश जो है महान लोगों के हाथों में है, और वो बुलडोजर राजनीति का मजा ले रहे हैं। ये दिलीप मंडल ने फिर ट्वीट किया है, ये विश्व इतिहास का सबसे तेज फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन यानी याचिका दायर होने से पहले ही जी एंकर के केस को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, कल की तारीख दे दी। तब जाकर वकील ने कहा, हुजूर, हमने अभी केस फाइल ही नहीं किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात है। सुप्रीम कोर्ट उतावला हो रहा है कि हम रोहित रंजन के केस को सुने, लेकिन रोहित रंजन ने अभी तक कोई उसमें याचिका दायर ही नहीं की। तो रोहित रंजन भी बड़े सुस्त आदमी है, इनको कर देना चाहिए था दाखिल, ताकि जजों को जो है थोड़ा काम मिल जाए। बाकी 73,000 जो केस पेंडिंग है उन पे सुनवाई बाद में होती रहेगी, क्योंकि उनमें ज़्यादातर केस हमारे तुम्हारे हैं, जो आम आदमी है, गरीब है, दबा कुचला है, और ज़्यादातर ऐसे SC ST OBC के लोग हैं जो अंडर ट्रायल हैं, लेकिन जेलों में सालों से पड़े हुए हैं, उनके केस का कोई जजमेंट नहीं आता। और ये देखिए, रायपुर पुलिस ने ट्वीट किया है, पुलिस टीम आज सुबह 9 बजे आरोपी रोहित रंजन जी न्यूज़ एंकर के गाजियाबाद स्थित निवास पहुंची। घर लोक एवं आरोपी फरार पाए जाने से आरोपी का फरारी पंचनामा तैयार किया गया। अन्य संभावित स्थानों में भी आरोपी की पता साजी की जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो माफी वीर हैं, जो झूठ फैलाते हैं, आज वो ताला लगाकर फरार है, और इनको फरारी पंचनामा दाखिल कर इनकी ढूंढाई पड़ रही है, इनको इनकी तलाश जारी है। तो ये सारी खबरें थी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट रोहित रंजन के मामले में उतावला है, जबकि रोहित रंजन जो है लेट लतीफ़ी दिखा रहे हैं, वो कल याचिका दायर नहीं कर पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको ऑर्डर दे दिया, हम आपकी याचिका सुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो रोहित रंजन, यही रोहित रंजन जिनको कल UP पुलिस ने बचाया था, आज वो अपने घर ताला लगाकर फरार है। दूसरी तरफ
त्रिपुरा में मुस्लिम मुसलमानों के कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया गया है और वहां पर शिवा की टेंपल बना दी गई है। और जिस तरीके से मुसलमानों का बायकॉट हो रहा है, चाहे गुरुग्राम हो, जयपुर हो, हर जगह उनकी दुकानों पर हमले हो रहे हैं, ये सारी खबरें बहुत भयावह है। लेकिन गोदी मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाएगा। वो इमाम चिश्ती और सलमान शूटर, तमाम इस तरीके के जो लोग हैं जो देश में सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, उनकी बाइक चलाएगा, उनके बहाने मुसलमानों को टारगेट करेगा। जबकि जो 80% मुसलमान है वो पसमानदा है, वो मजलूम है, कमज़ोर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इन चीज़ों से मतलब नहीं है, उस पर ये खबरें नहीं करते। तो ये सारी बड़ी खबरें थी जो आपके लिए ज़रूरी थी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।